डिलीवरी के बाद आपने भी नोटिस कर रहे हैं कि आपके जो ये बाल है वो ज़्यादा झड़ने लगे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि इतने झड़ रहे हैं बाल तो फिर मैं ना टकली हो जाऊंगी। तो आज का पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीओ प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चीज़ आपको है ना जान लेनी चाहिए, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना 9 मंथ प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन कुछ इस तरह से वर्क करते हैं कि जो आपके बाल है ना वो कम गिरते हैं। पॉमल्स का मतलब है कि पॉज हो जाते हैं कि आपके बाल जो गिरना है वो कम हो जाए। चीज़ आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ना ही मेरा अभी डिलीवरी हुआ है, तो भी मेरे जो बाल है रोज के 60 से 70 बाल रोज गिरते हैं, मतलब कि कभी भी 100 भी गिरते हैं। ये एज अ प्रूव एंड है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो कि रोज कितने बाल गिरते हैं। नॉर्मली तो वो दिखाएगा कि 100 से 150 तक जो बाल है रोज गिरते हैं। मैं हेल्दी फूड ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो भी मेरे बाल जो है इतने गिरते ही है। ऐसे देखा जाए तो फिर मैं ना जल्दी टकली हो जानी चाहिए थी, पर आप कितने सालों से मुझे देख रहे हो क्या मैं टकली हुई यहाँ कहीं से नहीं ना। वो इसलिए जैसे आपके बाल ना गिरते हैं तो उस जगह पे नए बाल आना शुरू हो जाते हैं, जैसे गिरते हैं वैसे नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके वजह से वो प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होता है और आप टकले नहीं दिखते। ऐसा होता तो मैं टकली कब की हो चुकी होती। ये एक साइकिल है जो हमेशा रिपीट होता रहता है, पर अब क्या होता है प्रेगनेंसी में ये जो प्रोसेस है वो एकदम पॉज हो जाता है, आपके जो बाल है वो गिरना एकदम कम हो जाता है क्योंकि हार्मोन की वजह से। और जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है वो जो पॉज हार्मोन हो गया था ना वो धीरे धीरे लो हो जाता है, जिसके वजह से आपकी जो बाल गिरने की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। मजेदार बात बताऊँ, जो आपका 100, 50 या फिर 60 बाल जो नॉर्मली गिरने वाले थे वो तो गिरेंगे, पर 9 महीना जो बाल नहीं गिरे हैं वो भी गिरेंगे। इस वजह से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा है मेरा डिलीवरी के बाद। आपको टेंशन नहीं लेना है, आप टकले नहीं होंगे, आपको दोबारा बाल जो है वो आएंगे, वो जो साइकिल है अच्छे से वर्क करेगा। पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको है ना विटामिन डी की कैप्सूल जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो हमेशा खानी है, क्योंकि है ना इस सारी चीज़ों के लिए विटामिन D3 चाहिए। और जब जब आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो बच्चे को है ना विटामिन D3 अपने थ्रू देते हैं, तो फिर आपके अंदर जो है विटामिन D3 की कमी आती है, वो कमी आने की वजह से ज़्यादा बाल गिरने लगते हैं। नंबर 2, अगर आप है ना ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो बच्चे को है ना विटामिन D3 के अलावा कैल्शियम भी दे रहे हो। अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हो तो फिर आपके शरीर में कैल्शियम कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाल और गिरना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसके साथ साथ फॉस्फोरस की भी अगर आपके अंदर कमी है तो भी आपके जो बाल है वो गिरेंगे। कैल्शियम के साथ साथ ही फॉस्फोरस काम करता है। ये जो चीज़ें मैं बताई है ना इस पर आपका कंट्रोल है, आप है ना विटामिन्स की गोलियां चालू कर दोगे तो आपका कंट्रोल हो जाएगा और आपके जो बाल है वो कम गिरेंगे। पर आगे ये चीज़ आपका जो कंट्रोल जिस पे नहीं है वो आप नहीं कर सकते, जैसे कि नींद नहीं पूरी होने के वजह से भी बाल झड़ते हैं और इस दौरान आपकी जो नींद है मैं समझ सकती हूँ नहीं हो रही होगी। नंबर 4, आप है ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेती हो या फिर आप ये ज़्यादा स्ट्रेस लेती हो ना तभी भी आपके जो बाल हैं वो नीचे गलते हैं या फिर गिरते हैं जिसे कहते हैं। पूछोगे स्ट्रेस कौन सा होता है, मतलब कि जैसे कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है तो प्रॉब्लम, कम सो रहा है तो प्रॉब्लम, ज़्यादा दूध ले रहा है तो प्रॉब्लम, कम पी रहा है तो प्रॉब्लम, क्यों नहीं खेल रहा है तो प्रॉब्लम, पॉटी नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम, कर रहा है तो प्रॉब्लम। ये सारी जो चीज़ें हैं ना माओ को स्ट्रेस देती है, जो नई माएँ हैं ना वो ज़्यादा सोचती है ये सब क्यों हो रहा है कि मेरे बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। आप ऐसी तरह से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो अपने लाइफ मतलब रूटीन में प्राणायाम एक्सरसाइज ये सब लाइए, जिसके वजह से आपको है ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा और ये सारी जो ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाएगी।
ये सारी चीजें आपको टेक केयर करनी है। जो बाल जो गल रहे हैं, गिर रहे हैं, वो होने ही वाला है, आप इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। रही बात विटामिन D3 की, आपको अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आ रही है तो सुबह की धूप लीजिए, उससे विटामिन D3 की जो कमी है वो पूरी होगी। कैल्शियम के लिए आप दूध पी सकते हैं, दूध से बने हुए प्रोडक्ट खा सकते हैं, दही और पनीर, सोया, ये सब खा सकते हैं जिसमें कैल्शियम बहुत अच्छा है। इसके अलावा पालक, जो हरी सब्जियां होती है, वो चिकन, अंडा, फिश से है ना आपका जो विटामिन D3 की कमी है वो ही पूरी होगी, कैल्शियम भी मिलेगा प्लस प्रोटीन भी मिलेगा ना। आप अगर के बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रेच ले रहे हो तो ये लेना बंद कर दो, कि आप स्ट्रेस लोगे, मैं टकली हो जाऊंगी तो उसकी वजह से और स्ट्रेस बढ़ेगा और प्लस आपके बाल गिरेंगे। इसलिए ये साइकिल है, आप ये साइकिल ब्रेक कीजिए, आपके जो बाल हैं वो इतना जितना गिर रहे हैं उतना ही गिरेंगे। कुछ वक्त के बाद जब आपका हार्मोन सब सेटल हो जाएगा आपके बाल वापस नॉर्मल हो जाएंगे गिरना। आज का जो वीडियो यहीं तक था, होप सो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हैप्पी हूं फ्रेंड्स, यहां तक वीडियो देखा है धन्यवाद। फ्रेंड्स यहां तक वीडियो देखा है तो आपको आज का जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इस वजह से यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा, आपका जो है लाइक बटन जरूर दबाइएगा। और मैं बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर जो है फ्लैश हो रहे हैं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, वो भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपका प्यार उस पर भी दीजिएगा। धन्यवाद। और मेरे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर